बसमिल बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने काम दिखा दिया और तोशाखाना केस में इमरान ख़ान साहब को नााहल करार दे दिया अब इस फैसले के बाद यकीनन पी डी एम में खुशी की लहर दौड़ी लेकिन मुसीबत यह पड़ी कि लोग बाहर आ गए और हर शहर में लोगों ने एहताज शुरू कर दिया बिल्कुल उस तरह से जिस तरह इमरान खान साहब को जब वजारतज़मा से निकाला गया तो लोग निकल आए थे उसी तरह से एलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ लोग निकल आए हैं अब इस फैसले पर तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है उसकी भी हम बात करेंगे इसके रिएक्शन पर बात करेंगे और क्यों पीडीएम के लिए यह फ़ैसला बहुत ज़्यादा उनकी नज़र में ज़रूरी था क्या उनकी डिमांड थी इस फैसले के हवाले से बंद कमरों में जो बातें हुई वो क्या थी उस पर भी हम बात करेंगे लेकिन एक तरफ ये फैसला आता है और साथ ही आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान में जो दूसरी बड़ी खबर है मीडिया चैनल्स पर चलना शुरू हो जाती है वो है आर्मी चीफ की रिटायरमेंट एक तरफ जैसे ही ये फ़ैसला आता है और चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है तो फौरी बाद ऐलान आता है आर्मी चीफ़ की तरफ से कि वो पाँच हफ्ते के बाद रिटायर हो रहे हैं ना सिर्फ ये बल्कि एक और जुमला जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का वो ये था कि अब अब फौज सियासत में नहीं आएगी ये उनके अल्फाज थे अब इस पर बहुत से तबसरे किए जा रहे हैं कि ये हुआ क्या है अब आर्मी चीफ़ ने जाते हुए ये स्टेटमेंट्स क्यों दी हैं एक तो ये इसी मौके पर यानी इमरान ख़ान साहब की नाहली के फ़ौर बाद आर्मी चीफ़ की स्टेटमेंट आना है बड़ा माननी खेज़ है कि जी पाँच हफ़्ते बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा क्या सराइयाँ हो रही थी कि शायद वो दोबारा एक्सटेंशन लें इस तरह की बात हो रही थी एक तो उन्होंने उसको ख़त्म किया फिर ये नज़र आ रहा था कि जो भी इस वक्त मुल्क में हालात हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है ये बातें हो रही थी अभी असम्बली में इस तरह की स्टेटमेंट्स आई बहुत सी कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है बहुत सी बातें आई तो हम इस्तेमाल हुए हमें ये किया गया वो किया गया तो लिहाजा आर्मी चीफ़ की तरफ से अब इस स्टेटमेंट को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है कि जी अब हम सियासत में नहीं आएंगे फ़ौज की तरफ से अब सियासत में कोई किरदार नहीं होगा अभी अगर हाल ही में देखें फवाद चौधरी साहब हों तरीकिन इंसाफ के दीर लोग हों वो इशारतन इस तरह की बात करते रहे हैं कि जी इनको लाया गया है ख़ुद मियाँ जवेद लतीफ़ कहते हैं जी हमें लाया गया है मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से ये खबरें चलें कि जी उन्होंने तीन चार डिमांड्स रखी हैं एक तो ये कि पंजाब में हमें हुकूमत दिलवाई जाए इमरान खान को नाहल किया जाए हत्या कि गिरफ़्तार किया जाए अब ये पंजाब हुकूमत वाली ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हो सकी क्योंकि इमरान खान साहब ने जिमनी इलेक्शन में भरपूर कारदगी दिखाई और तीन में से नून लीग की जो पंजाब असेंबली की सीटें थी वो तीन में से दो तरीके इंसाफ को चली गई वो मनसूबा जो है काफ़ी हद तक नाकाम हो गया फिर इमरान खान साहब की जो नहली थी जिसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड करार दिया जा रहा था कि जी आ, मुझे भी फिर सारों को नाहल करें यानी इमरान खान को भी नाहल करें फिर दोबारा सारे अहल हो जाएं तो आ, उसके लिए कोशिशें हो रही थी इमरान खान साहब की नहली तो अब इलेक्शन कमीशन से करवाई गई लेकिन अब बात यह है कि इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का भी कहा गया है कि जी इनके खिलाफ अब फौजदारी मुकदमा भी चलाया जाए वो भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है अब अगरचे लीगल ओपिनियन यह है कि इलेक्शन कमीशन किसी को इस तरह डिस्कालीफाई नहीं कर सकता वो रिकमेंड कर सकता है वो सजा दे सकता है लेकिन इस तरह नाअहली का कहना इलेक्शन कमीशन के में नहीं है और यह भी कि यह नाअहली सिर्फ इस टर्म तक के लिए होगी अब ज्यादातर लीगल ओपिनियन ये आ रहा है तो पी की जो ख्वाहिश है वो ज्यादा शायद पूरी ना हो सके कि सिर्फ इस टर्म के लिए अगर नाअहली अली हाँ अब आगे उनको उस केस को चलाना जरूर पड़ेगा कि जो फौजदारी मुकदमा है जिस तरह से पहले इलेक्शन कमीशन कह चुका कि जी फौरन फंडिंग का जो ममना फंडिंग का मामला है उस पर फेडरल गवर्नमेंट भी आगे बढ़े और वो जो चाहे करे और उसको यानी सौंप दिया इसी तरह से दोबारा इलेक्शन कमीशन ने वही काम किया है और साथ कहा है कि जी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चलाई जाए हमने तो जो करना था कर दिया है आगे अब ये काम किया जाए तो इमरान खान साहब लग रहा है इसके लिए तैयार थे अब ये तो थी मियाँ साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश इमरान खान नाहल हों और गिरफ़्तारी भी की जाए इसका इजहार मरीम साहबा ने भी अब ट्विटर पर आकर किया है कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं है ये इमरान खान जो फितना है इसको गिरफ़्तार भी करना चाहिए इसको सज़ा भी देनी चाहिए इसको जेल करना चाहिए वो सब कुछ यानी उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं वो मजीदी डिमांड कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं ये इतना काफ़ी नहीं है हमने तो इससे ज़्यादा मांगा था गिरफ़्तारी भी होनी चाहिए और ताह नहली होनी चाहिए वो अभी डिमांड्स उनकी आगे चल रही हैं पंजाब हुकूमत वाला मामला चला गया इमरान खान साहब की नाहली का तो आपको नज़र आ रहा है लेकिन ये शायद अदालतों में जाकर यह भी न ठहर सके क्योंकि मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि इसके बावजूद के नाहली का कहा गया है पाँच साल के लिए तो वो शायद इसी टर्म के लिए होगी ज़्यादातर ख्याल ये है तो उससे भी बात बनेगी नहीं गिरफ्तारी की जहां तक बात है इमरान खान साहब की ये कोई मेरा ख्याल है कम से कम कोई शायद दसवीं कोशिश है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की इतने केसेस उन्हें बना लिए तो माजी में क्या हो चुका लिहाजा अब ये कहानी भी देख लीजिए क्या है मियां नवाज़ शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं अपने केसेस खत्म करवाना चाहते हैं वो भी उनको इशारे मिल चुके हैं वापसी का तो उनको कहा आए इसहा जब आ गए हैं सारा उनका सारा मामला हो गया उनको रिलीफ मिल गया है तो आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है लेकिन मसला यहाँ है कि वो कहते हैं जो सबसे बड़ी ख्वाहिहिश है कि इमरान खान साहब की पार्टी को बिल्कुल साइडलाइन करके हमें मैदान खुला चाहिए और फिर मैं आऊँगा तो ये अब अनोखा लाडला खेलने खेलने उनको मांगे चांद वाली बात है कि इतना ज्यादा अब नहीं हो सकता यही मैक्सिमम हो सकता था जो उनको दे दिया गया है हाँ अब यह जरूर है कि अब लॉन्ग मार्च का क्या होगा इमरान खान साहब का फोकस इस केस से ज़्यादा ये जो नाहली की है इससे ज़्यादा लॉन्ग मार्च नज़र आ रहा है पूरे मुल्क में लोग निकल आए अब इस्टेबलिशमेंट पर दबाव बहुत है इसमें कोई शक नहीं क्योंकि इमरान खान साहब ने बार बार ये कहा कि जी कहा जाता है जी हमें बड़ी सियासत आती है हमें बड़ी सियासत आती है लेकिन ऐसा नहीं है मुल्क को नुकसान हुआ है और आर्मी चीफ ने भी अब ये बात कही है कि जी फौज अब सियासत में किरदार अदा नहीं करेगी अब ये कहा जा रहा है कि इसको इस तरह से लिया जा रहा है कि जी अब तो सारे लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है अब किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए इमरान खान भी अब नाहल हो गए हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर हैं वो भी नाता ताहे याद नाहलते तो अब इमरान खान भी हो गए हैं उनको भी वापसी की इजाज़त है इमरान खान की भी इस तरह की स्टेटमेंट आ गई है कि जी आए नवाज़ शरीफ आकर मुकाबला कर लें तो शहबाज शरीफ के, के केसेस ख़त्म हो गए पी डी एम की जमातों के जितने जरदारी साहब का अपने देखा केसेस ख़त्म हो गए सारों के केसेस ख़त्म हो गए इन्होंने आके नैब का भी खात्मा कर लिया तो सारा कुछ ख़त्म हो गया तो लिहाजा अब आर्मी चीफ की स्टेटमेंट से लिया जा रहा है कि शायद जाते हुए वे समझते हैं कि कोई इल्ज़ाम या कोई बात उनके सर पर ना आए अब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ लेकिन मसला ये हुआ है कि इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद मुल्क में अदम इसकाम मजीद बढ़ गया है मुल्क में जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है अभी मैं देख रहा था फिच ने भी रेटिंग पाकिस्तान की नीचे गिरा दी है आ, इसी तरह से पहले भी आप जानते हैं कि रेटिंग एजेंसीज की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग को कम कर दिया गया है माशी तौर पर पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि बहुत ही मुश्किल हालात में ख़तरनाक सूरत हाल है अब इसके बाद और ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होगी पी डी एम समझती है कि जिस तरह से ज़मीनी इलेक्शन में उनको मार पड़ी है बहुत बुरे तरीके से पंजाब की हुकूमत उनसे चलेगी ज़मीनी इलेक्शन में वो अब अपनी कारकर्दगी परामी सतह पर कुछ नहीं दिखा सकते ना उनके पास है सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि अब वो मुकाबले में इमरान खान हो ही ना तो एक उनको इसलिए एक यूँ समझ लीजिए कि ढारस कह लें या उनको एक आ, 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 खुशी एक वक्ती खुशी उनकी ख्वाहिश पूरी की गई है लेकिन ये भी ज़्यादा अरसा तक उनको सुकून नहीं इस तरह से आ सकेगा क्योंकि इमरान खान साहब मुझे लगता है कि एक तो उनकी नाहली ख़त्म भी हो सकती है और अगर ये नहीं भी होता तो ये सिर्फ पाँच साल के लिए जो है मैंने रिस्टर्स किया गया इस टर्म के लिए है तो उसके बाद तो और ज़्यादा पॉपुलर होकर और ताकतवर होकर नज़र आएंगे क्योंकि आपने ये देखा कि जिस तरह लोग निकले हैं मियां नवाज़ शरीफ की तो हुकूमत थी और लोग इस तरह नहीं निकले थे जिस तरह इमरान खान के लिए लोग निकल आए हैं जहां तक इस्टेबलिशमेंट की बात है अब जो पीछे हो चुका उसमें बहुत सी बातें आ चुकी आपने साइफर का मामला देखा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसको लाया गया था उसमें इसको कहा गया कि ये मुदाखलत है और इस पर एहत किया गया साइफर पर वो चीज़ें हैं उसके बाद इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स आना इमरान खान साहब की जान को जान को ख़तरा होना वो कहते जी मैंने चार लोगों के बारे में वीडियो बना के रख दी है तो ये सब चीज़ें हैं और यकीन इस्टेबलिशमेंट प्रेशर इसलिए है सोशल मीडिया का है हर तरफ़ से उन पर दबाव आ रहा है कि मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी है ये सारा कुछ जो हुआ जिस तरह से चल रहा है इस पर क्योंकि माजी में इस्टबलिशमेंट का किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में जोड़ तोड़ में अब आर्मी चीफ ने कह तो दिया है लेकिन इनके कहने के बाद क्या तनकीद ख़त्म हो जाएगी क्या अब इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से हालात बेहतर हो जाएंगे वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जा रहा था वो बन गई है ये नज़र नहीं आ रहा यानी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस चीज़ को तो लिहाजा ये लगता यह है कि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से पहले एक और कॉन्ट्रवर्सी जो है वो जनरेट हो गई है और जो इस फैसले के बाद समझा गया था कि जनाब कोई इस तरह के नतज होंगे कि चलें सारी कॉन्ट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएँ वो ऐसा नहीं हुआ बल्कि इससे मसाइल और ज़्यादा बढ़ें इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़